हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th चैप्टर 13 कंपेयरिंग क्वांटिटी एक्सरसाइज 13.5 के कुछ क्वेश्चंस हमारे रिमेनिंग थे जो आपकी रिक्वेस्ट पर मैं कंप्लीट कर रही हूँ 11 to 17। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है 11, ऑन व्हाट टाइम, यानी टाइम आपको फाइंड करना है, विल रुपीज़ 8000 अमाउंट 28820 एट 5% PA means per annum compounded annually. Okay? यहाँ पर हमें T की वैल्यू फाइंड करनी है. T यानी टाइम आपको कैलकुलेट करना है. P प्रिंसिपल आपको गिविन है ₹8000. सेकेंड अमाउंट आपको गिविन है 8820 रुपीज. ओके, एंड रेट आपको गिवन है 5%. वेरी इजी क्वेश्चन. अमाउंट फॉर्मूला पी यानी प्रिंसिपल 1 + rate r / 100 power t. हम टी भी कैलकुलेट करते हैं इसको कई बार, और इसको n भी लिखते हैं, स्मॉल n. दोनों का मीनिंग सेम ही होता है. फॉर्मूले में अगर होल रेज टू पावर n है, करेक्ट है. अगर टाइम है, करेक्ट है. ओके, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. अमाउंट वैल्यू क्या है हमारे पास, 8820. प्रिंसिपल वैल्यू है 8000. 1 + rate 5/100 and whole power t. 1 के साथ में हम कुछ भी कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन 5/100 ये एक पूरा रेशनल नंबर है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये हो गया 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 और 0. ओके, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन हो जाएगी 8820 इज इक्वल टू, ये ट्रांसफ़र हम नहीं करेंगे वैल्यू इसको, 8000 को कई बार हम करते हैं कि इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो जाता है. नो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर p का मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू में, इसलिए हम इसको डिवाइड में यूज़ करेंगे. ओके, अभी नहीं करते, पहले हम पूरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 + 1/20 power t. अब आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो 20 + 1 = 21/20. इसको हम डिवाइड में लिख देते हैं, आप 8820 / 8000 इज इक्वल टू 21/20 whole power t. इसको हम लिखते हैं ऐसे. एलसीएम चाहे तो आप करके देख सकते हैं. 1/20 एलसीएम, 20, 1 का डिवाइड 20 में, 20 का 1 में मल्टीप्लाई, और 20 का डिवाइड करेंगे 20 में, 1, 1 से मल्टीप्लाई 1 में, मीन्स 21/20. ओके, ये हमने यहाँ नोट कर दिया. ये 0 से 0 कैंसिल. अब आप इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हम इसको किस नंबर से डिवाइड कर दें इजीली, 2 से. ओके, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2. ओके, और इसको 400, 2 × 4 = 8, 0, 0. हम इसको क्या नोट करेंगे, आप यहाँ पर 441/400 इज इक्वल टू 21/20 whole power t. अगर आप इसके फैक्टर करेंगे, कि स्क्वायर रूट का कैलकुलेशन आपको आता है, सेकंड चैप्टर में था या आपका थर्ड चैप्टर था, जो भी था उसमें हमने किया हुआ है. तो जब आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो आपको 21/20 whole power इसको 2 में कन्वर्ट करेगा. ओके, क्योंकि 21 × 21 = 441, और हमें 21 का ही बेस यूज़ करना है. क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास 21/20, 21 × 21, और ये 20 × 20, तो हम इसको होल पावर 2 नोट करेंगे. ओके, इज इक्वल टू 21/20 whole power t. बेस दोनों के सेम है, इक्वल टू का साइन है. जब आप कंपेयर करेंगे तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2. तो t इज इक्वल टू 2, कैलकुलेट हो गया. व्हाट द टाइम, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर. के ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ऑन व्हाट सम
will the compounded interest at 5% per annum for 2 years. Okay, आपको given है rate of interest 5% per annum और time given है आपको 2 years. Okay, Y note किया है मैंने. Compounded annually be 164 rupees. यानी compound interest आपको given है इसमें 160 rupees. Compound interest. CI is equal to rupees 164. यानी मेन अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है आपका इसका. ओके, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना गिवन है, 164 रुपीस है 5% पर एनम की इंटरेस्ट से 2 इयर्स के लिए. तो इसका मतलब व्हाट सम मींस आपका मेन जो प्रिंसिपल है वो क्या है, जिस पर हमने 2 इयर्स के लिए 5% की इंटरेस्ट थी और उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने लिया वो भी 164 लिया. मेन अमाउंट क्या है आपका, ओके, मेन अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है तो वो है आपका प्रिंसिपल. ये आपको कैलकुलेट करना है. एक फॉर्मूला है हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट, जब हम कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में, हमने एक्सरसाइज में भी किया होगा 13.5 में, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ओके, कभी हमें प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन होता है तो हम यहाँ पर कई बार कैलकुलेट करते हैं कि अमाउंट क्या होगा इस फॉर्मूले में पुट करके, कई बार आपको प्रिंसिपल गिवन होगा तो हम वो भी करते हैं. अब आपको यहाँ पर ये मैंने फॉर्मूला नोट किया, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, प्रिंसिपल पी 1 + R/100T. ये आपने जस्ट अभी क्वेश्चन में भी किया है 11th नंबर क्वेश्चन में फॉर्मूला. ओके, सेम फॉर्मूला है, प्रिंसिपल के प्लेस पर हमने पी नोट किया. हम इस फॉर्मूले में अगर पी को कॉमन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम 1 + R/100T - 1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं. यानी हमने इसको थोड़ा सिंपल कर दिया कैलकुलेशन में, और यहाँ ये किसका फॉर्मूला हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का. मतलब ये ही फॉर्मूला है, इसमें हमने आपके फॉर्मूले को और पुट कर दिया. जैसे अमाउंट है, अमाउंट का मेन फॉर्मूला हमने यहाँ लिया, प्रिंसिपल को पी लिया, पी को हमने कॉमन ले लिया, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो गई. कि अब जो वैल्यू आपको गिवन है वो यहाँ पुट कर दी, क्योंकि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है. क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, 164, प्रिंसिपल आपको कैलकुलेट करना है, कैपिटल ब्रैकेट 1 + R आपके पास वैल्यू है 5/100 और टाइम है आपके पास 2 - 1. सेम प्रोसेस हो गया जो अभी हमने 11th क्वेश्चन में किया था, 5 की टेबल से हमने इसको 20 कर दिया, 20 + 1 = 21/2 हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल, और ये हो गया 21/2. अभी किया है तो थोड़ा माइंड में है हमारे 1 = 21/20 है, तो हम इसको पूरा कैलकुलेट कर देते हैं. 164 इज इक्वल टू पी, ये हो जाएगा 441/400 - 1. ओके, ये हमने इसको ब्रैकेट को भी खोल दिया, पावर टू को भी 2 times मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेम नंबर हमारे पास आ गया. अब आपके पास 441/40 - 1 है और दोनों को हमने एक ब्रैकेट में लिया हुआ है, तो हम जब इसका एलसीएम लेंगे तभी कैलकुलेशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी. ओके, तो आपको एलसीएम लेना है यहाँ पर. हमने यहाँ पर एलसीएम यूज़ किया 400, तो देखो 400 से 400 में डिवाइड करा 1, 1 से मल्टीप्लाई किया 441, माइनस 1 से डिवाइड किया 400 से 1 में किया 400. पी इसमें से हमने माइनस किया 41/400, वैल्यू किसकी है 164. अब आपको बहुत ध्यान से देखना है कि पी का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम पी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 400 डिनोमिनेटर में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 400 यहाँ पर यूज होगा, 164 * 400,
और 41 से डिवाइड करेंगे, यानी ये हो गया 41 इज इक्वल टू पी के। ये बहुत ध्यान रखना है, स्टेप ट्रांसफर नहीं करेंगे हम, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट के प्लेस पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के। 41 से ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा फोर टाइम्स, 41 फोर ज़ा 164 और 4 का मल्टीप्लाई 400 में करेंगे तो आपके पास आएगा 1600 इज इक्वल टू पी। यानी आपके पास प्रिंसिपल क्या कैलकुलेट हो गया, जो अमाउंट था ये हो गया हमारे पास मेन अमाउंट रुपीज 1600। कि क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पर आपको ध्यान रखना है। अब आप आराम से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सेम जो हमने 12 में किया, बट थोड़ी सी लैंग्वेज इसने चेंज कर दी। 12th क्वेश्चन में था ऑन व्हाट सम के, या क्या था आपके पास 12 में, हाँ व्हाट सम विल बी, इस टाइप से आपसे कैलकुलेशन पूछी थी। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ ली है आपसे, बट आपका पैटर्न फॉर्मूला बिल्कुल सब हम सेम यूज़ करेंगे। कैसे? फाइंड द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल आपसे डायरेक्टली उसने कह दिया क्या होगा कि, तो यानी हमें प्रिंसिपल पर क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करना है। द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, यानी रेट क्या दिया आपने, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया। टाइम कितना दिया, 3 ईयर्स का टाइम दिया हमने। और क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट आपका, रुपीज 331 के कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हमने, 331 रुपीज़ हमने उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट किया। फाइंड द प्रिंसिपल, सिंपल क्वेश्चन हो गया जैसे हमने 12 किया था सेम। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ नोट कर सकती हूँ क्योंकि 12th क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी 1 + r / 100 / t - p के। आर स्मॉल या कैपिटल कोई इफेक्ट नहीं होता, आप कैपिटल में कर लीजिए के okay? टाइम को भी हम कैपिटल टी में लिख देते हैं के। सेम वैल्यू है 331, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है। कॉमन यूज़ करेंगे, 1 + r वैल्यू है आपके पास 10 / 100 / 3 - 1, क्योंकि p हमने कॉमन यूज़ किया के। p यहाँ से ये कैंसिल, 0, 1/10 हो गया। जब आप एलसीएम 10 लेंगे तो 10 + 1 = 11/10 / 3 - 1 के। अब आपके पास है p 11/10, दोनों के पावर 3 है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 11 × 11 आपके पास कैलकुलेशन होगी 1331 और ये हो गया 1000 - 1, इसी था 331। 11 × 11 = 220, अगेन मल्टीप्लाई बाई 11 1331 के। और 10 का तो मल्टीप्लाई इजी है। अब यहाँ पर हम एलसीएम यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये फ्रैक्शन में उसमें से 1 माइनस हो रहा है, तो हमने एलसीएम लिया यहाँ पर 331 इज इक्वल टू पी, एलसीएम आएगा आपके पास 1000, 1331 - 1000, क्योंकि आपके पास यहाँ पर नंबर 1 है तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी सेम आपके पास वो मल्टीप्लाई होकर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगी। 331 = p - किया आपने तो 331/1000 हो गया, करेक्ट। 1331 में से 1000 माइनस किया तो 331 रिमेनिंग है। अगर हम इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो क्या रह जाएगा आपके पास में, मल्टीप्लाई का साइन। और मल्टीप्लाई के साइन में जब आपके पास यहाँ पी है, कैलकुलेशन करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड आएगा। 331 मल्टीप्लाई हो गया 1000 से क्रॉस में, और ये क्रॉस में
डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया इज इक्वल टू पी. डायरेक्ट कैंसिल, वन मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड, तो आपके पास थाउजेंड इज इक्वल टू पी. फाइंड द प्रिंसिपल इज थाउजेंड रुपीज, तो आप डायरेक्ट लास्ट में लिख सकते हैं प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज थाउजेंड. कि क्वेश्चन इजी था ना, जैसा हमने हम 12 कैलकुलेट किया सेम 13. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में. द इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 2000. ओके, इसका मतलब आपको प्रिंसिपल गिवन है 2000 रुपीज. इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट, कंपाउंडेड एनुअली चल रहा है एट द रेट ऑफ रुपीज 4% पर एनम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम है. फाइंड द पीरियड ऑफ, सॉरी, फाइंड द पीरियड फॉर विच द कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर इसी रुपीज पर कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, कितने टाइम के लिए आपने दी थी. ओके, पीरियड मीन्स टाइम, यानी आपको टाइम कैलकुलेट करना है. अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ किया था, उसमें हमें पी गिवन नहीं था, तो हमें पी कैलकुलेट करना था. बट इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, पी तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, आपको टाइम कैलकुलेट करना है. तो टाइम के लिए हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होना ज़रूरी है. ओके, अमाउंट का फॉर्मूला आपको अब यहाँ यूज़ करना है. कैसे यूज़ करेंगे वो ध्यान से देखना. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने यूज़ किया हुआ है अमाउंट प्लस, सॉरी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ओके, ये हमने प्रीवियस किसी क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया है आपको. ओके, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया. अब इसमें आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है 163.20. प्रिंसिपल की वैल्यू भी आपको गिवन है, अमाउंट आपको फाइंड करना है. प्रिंसिपल की वैल्यू है 2000 रुपीस. ओके, अब आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 2000 को इधर शिफ्ट करेंगे, यानी 163.20 प्लस 2000 इज इक्वल टू ए, यानी अमाउंट. तो ए की वैल्यू क्या आपके पास आ जाएगी, हम प्लस करते हैं 163.20 में 2000 रुपीस. ये इस तरीके से आपको प्लस करना है, ध्यान रखना प्लस करने का तरीका. ओके, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2163.2, यानी अमाउंट हमने कैलकुलेट कर दिया. डन. ओके, अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 t. यही फॉर्मूला होता है अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए. ओके, अमाउंट नहीं, सॉरी, टाइम के लिए. अमाउंट आपके पास हो गया 2163.20 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 2000, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4/100 t. ये आपको कैलकुलेट करना है. 2000 का मल्टीप्लाई है, इसलिए हम इसको डिवाइड में नोट करेंगे, 2163.20/2000 इक्वल टू 40 टेबल से ये कट हो जाएगा 25 + 25 + 1 = 26/25 whole power t. ओके, यहाँ हम कुछ और आपको बताएंगे, वो बहुत ध्यान से आपको देखना भी है और सुनना भी है. एग्ज़ाम में मोस्टली मिस्टेक्स यही करते हैं हम. जब हम यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, तो डेसिमल के बाद 2 digits हैं, तो आपके पास डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 100, यानी आप सीधे सीधे 20 इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, तो मैं यहाँ से डेसिमल को रिमूव कर रही हूँ, और ये हो गया आपके पास 216320, और डिवाइड में हमने लिख दिया 2000, तो पहले से ही था ये, और हमारे पास डेसिमल के बाद 2 digits थी, तो हमने 2 zeros को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 zeros ही इंक्रीज होगी. ओके, इज इक्वल टू 26/25 power t.
कि वन के साथ किसी भी नंबर को आप प्लस इजीली कर सकते हैं. ओके, वो मैंने आपको बता दिया, 25 वन सा 25 प्लस वन 26 अपॉन 5. ओके, ये जीरो कैंसिल हमने कर दी. ओके, अब यहाँ पर जो नंबर है थोड़ा सा हम इसको रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा. अब आपके पास है यहाँ पर नंबर 21632 अपॉन 2 के साथ में 4 जीरोस. ओके, 2 के टेबल से इजीली कैंसिल हो जाएगा ये. हम इसको 2 की टेबल से करते हैं. 2 ones are 2, 0, 2 8s are 16, 2 ones are 2, 2 6s are 12, और यहाँ हो गया आपके पास ये 1000. ओके, अगेन इसको कैंसिल करते हैं 2 से. 2 5s are 10, 2 4s are 8, 0, 2 8s are 16, 2 5s are 10, और ये 3 times 0. 2 की टेबल से 2 2s are 4, 2 7s are 14, 0, 2 4s are 8, और ये हो गया 25 0 0. आपके पास यहाँ पर आ गया 2 7 0 4 अपॉन 2 5 0 0. इसको हम और कैंसिल कर सकते हैं, इसको हम ट्राई करते हैं. 2 7 0 4 अपॉन 2 5 0 0, 2 की टेबल से करते हैं. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 2s are 4. ओके, और यहाँ पर 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 2 5s are 10, 0. ओके, अगेन 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10. ये लास्ट हमारा हो गया कैलकुलेशन, यानी हमने सब कुछ कैंसिल कर दिया और लास्ट में ये मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिया. अब आपके पास फाइनल नंबर ये आ गया 676 अपॉन 625, क्योंकि यहाँ पर 5 है और यहाँ 6. अब ये किसी भी टेबल से पॉसिबल नहीं है डिवाइड करना. ओके, तो हमने ये सारा लोअस्ट टर्म में कन्वर्ट करके एक ऐसी कंडीशन में ला दिया, अब हम इसको नहीं कर सकते. ओके, इक्वल टू 26 अपॉन 25 पावर t. इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे, सॉरी. ओके, तो आपके पास जब इसके प्राइम फैक्टर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये 26 अपॉन 25 दोनों की पावर 2 हो जाएगी. ये भी 26 into 26, यहाँ पर भी 25 into 25. ओके, इज इक्वल टू, क्योंकि हमें सेम बेस में कन्वर्ट करना था, अलग अलग नहीं करेंगे, सेम, बिल्कुल सेम बेस आनी चाहिए. जब आप इसके फैक्टर करेंगे, लो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 13 into 30, और यहाँ पर आपके पास आएगा 5 into 5 into 5 into 5, और हमें ये ऐसा कन्वर्ट करना है कि ये 26 upon 25 में ही कन्वर्ट हो जाए और किसी नंबर में नहीं हो. तो एक 2 के साथ हमने 13 को लिखा 26, इसके साथ हमने 2 को लिखा 26, 26 into 26 upon 25. तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 26 upon 25 whole power 2 is equal to 26 upon 25 whole power t. बेस सेम है, जब आप कंपेयर करेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 years. यानी आपके पास कितने पीरियड दिया उसने, टाइम पीरियड कितना दिया, 2 years. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है आपके लिए क्वेश्चन. ओके, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको गिवन है यहाँ पर 360 रुपीज़. ओके, और टाइम गिवन है आपके पास 2 years, और पर एनम यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5 पर एनम, और फाइंड द सम मेन अमाउंट यानी प्रिंसिपल क्या है वो आपको बताना है. ओके, तो प्रिंसिपल को हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, क्योंकि आपको यहाँ पर गिवन है सिंपल इंटरेस्ट माइनस, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 360 आपको गिवन है, दोनों का डिफरेंस.
अब दोनों का आपको फॉर्मूला यूज करना है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 पावर टी माइनस पी, ये फॉर्मूला है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का. ओके, माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 360. फॉर्मूला नोट कर दिया, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं. तो पी तो आपको कहीं पर भी गिवन नहीं है, फाइंड ही करना है कि प्रिंसिपल क्या है. फाइंड द सम मीन्स प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल फाइंड करना है. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 7.5 अपॉन 100 पावर टी, कितना है टाइम आपके पास 2 ईयर्स, माइनस पी, माइनस पी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 इंटू टाइम 2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 360. थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है सबको. पी 1 प्लस, अगर मैं यहाँ से डेसिमल रिमूव करती हूँ तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ हो जाएगा 1000. ओके, यहाँ से भी अगर हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो ये हो जाएगा 1000, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डिनोमिनेटर में 10, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा 10 × 100, 1000. ओके, तो हमने थोड़ा सिंपल करने के लिए कर दिया, इसको और इजी कर लेते हैं थोड़ा सा. 1000 एलसीएम लेंगे तो 1000 का 1 में किया 1000 प्लस ये, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1075 अपॉन 1000 हम लिख सकते हैं, पावर 2 माइनस पी, माइनस 5 की टेबल से या 25 की टेबल से करते हैं, 25 3 75, और 25 से हमने ये इजीली कैंसिल कर दिया आपके 4040. ओके, और 2 की टेबल से हमने इसको कैंसिल कर दिया 20, तो ये हो गया 3 इंटू पी अपॉन 20 इज इक्वल टू, या जैसे आपका लिखा था हम वैसे ही लिख देते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता. फिर क्या रहेगा आपके पास में, यहाँ पर पी इंटू 3 अपॉन 20 इज इक्वल टू 360. इसको भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो 1075 अपॉन 1000. ओके, 5 की टेबल से इसको कैंसिल करते हैं, 5 2 10, 5 1 5 5 5 25, हो गया कैंसिल इजीली. 5 2 10 और ये 0, अगेन 5 की टेबल से करते हैं, 5 4 20, 5 3 15 और 5 4 20, 0, तो ये हो गया 43 अपॉन 40. अब ये किसी से कैंसिल नहीं होगा. ओके, तो हमने इसको लिखा पी 43 अपॉन 40 होल पावर 2 माइनस पी, माइनस इसको 3 इंटू पी लिख सकते हैं अपॉन 20 इज इक्वल टू 360. 43 × 43 कैलकुलेट करते हैं, 43 × 43 2 टाइम्स 3 3 9, 3 4 12, 1 7 9 4 8 1 1 8 4 9. ओके, यहाँ हम लिख देते हैं प्रिंसिपल 1 8 4 9 अपॉन 1600 इंटू पी माइनस पी माइनस 3 पी अपॉन 20 इज इक्वल टू 360. कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सा ये सब रिमूव कर देते हैं. ओके, यहाँ से पी हम कॉमन ले लेते हैं, इजी रहेगा. पी को कॉमन लिया हमने, ब्रैकेट में आपके पास वैल्यू रहेगी 1849, 1849 अपॉन 1600 माइनस 1, यहाँ से पी कॉमन आएगा तो 1 रहेगा, माइनस 3 अपॉन 20 इज इक्वल टू 360. 3 टर्म्स हैं, एलसीएम के बिना कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है,
एलसीएम 1600 ही होगा इसका, 1600. तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो तो सेम ही आ जाएगा आपके पास, माइनस वन से डिवाइड करेंगे सेम 1600, इससे डिवाइड किया, ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल, 80, टू एट ज़ा 16. देखो एक ज़ीरो कैंसिल, टू एट ज़ा 16 और वन, 80 का मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे, सॉरी 240, ओके 240 इज इक्वल टू 360. टू माइनस के नंबर दोनों को प्लस कर देते हैं, साइन माइनस का रहेगा, 1840 माइनस 0481, सेम कैसे फिर, तो ये जीरो हो जाएगा आंसर, कहीं मिस्टेक. सॉरी यहाँ 9 है, ओके मिस्टेक इसलिए नहीं होगी, ये 9 9 और यहाँ पर 9 अपॉन 1600 के, हाँ अब ओके ये दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, ओके 1849 में से 1840 किया आपने, तो p इंटू 9 अपॉन 1600 इज इक्वल टू 360. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, p इज इक्वल टू 360 इंटू 1600 अपॉन 9, 9 फोर ज़ा 36, 0, 16 फोर ज़ा 64, 3 टाइम्स 0. तो ये प्रिंसिपल आपके पास क्या आ गया, रुपीज़ 64000. ओके क्वेश्चन नंबर 15, सेम टू सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 भी है, जो आपको अपने आप ही करना है और मुझे कमेंट में रिप्लाई करना है कि मैम इसका आंसर ये आया. प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला सेम है, पैटर्न भी सेम है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आपको, ओके तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 16 नंबर क्वेश्चन आपसे हुआ या नहीं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो 16 भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, डिजिट चेंज है, ओके तो इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा इस क्वेश्चन में, तो 16 आपको करना है और कमेंट में मुझे बताना है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. ओके कंपाउंड इंटरेस्ट टू सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, और आपको 15 और 16 में डिफरेंस गिवन था, इस क्वेश्चन में आपको लास्ट में कैलकुलेशन करनी है. ओके एंड प्रिंसिपल आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है, और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है ये आपको कैलकुलेट करना है. ओके तो ये हम कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ये आपके नॉलेज में है फॉर्मूला, तो इसके बेस पर सिंपल इंटरेस्ट ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा, 3200 इंटू 12 इंटू टाइम 3 अपॉन 100. 20 से ये कैंसिल, अब आपके पास क्या वैल्यू है, 320 इंटू 12 थ्री ज़ा 36, डिनोमिनेटर में 1 है ओनली. ओके तो 36 इंटू 32 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 7, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 1, 10, 2 15 1 1. यानी हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई वो आ गई रुपीज़ 1152. ओके अब आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर टी माइनस पी, यही कैलकुलेट करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट का. तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें ये फॉर्मूला, पी की वैल्यू ये हम एक बार क्लीन कर देते हैं,
प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3200001 प्लस, इसको हम कॉमन भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, कॉमन यूज़ कर लेते हैं, इजी हो जाता है थोड़ा. 1 + r/100 whole power t - 1. ओके, अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं. प्रिंसिपल वैल्यू 3200 (1 + r/100) 12/100. टाइम कितना है आपके पास, 3 - 1. अब यहाँ पर 12 की टेबल से क्या, वो सॉरी 12 से नहीं, 4 की टेबल से, 4 3 = 12, 4 2 = 8, 4 5 = 20, 25 आ गया. तो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन रहेगी 3200001 + 1 + 3/25 और whole power 3 - 1. 25 1 = 25 और 3 = 28. तो 3200028/25 और इसकी whole power 3, (capital bracket) यूज करते हैं इसको, -1. 28/25 whole power 3. 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है 28 का. ओके, 28 × 28, 8 8 = 64, 8 2 = 16 और 6 हो गया 2 2. ओके, 2 8 = 16, 2 2 = 4 और ये 5, 4 8 = 7, 784. करेक्ट. ओके, एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 28, 8 4 = 32. और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 = 8, 2 8 = 16, 15, 2 और 6 2 8 और 1 9, 5 5 = 10 और 1 = 11, 2 1, ये आ गया हमारे पास 3200 219 5 2/625. तो होता है 25 × 25, अगेन 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 62, 1 5 6 1 5 6 2 5 - 1. अब आप एलसीएम का काम करेंगे यहाँ पर, 300 तो 219 5 2 - 1 5 6 2 5, क्योंकि आपको एलसीएम लेना है तो सेम ही नंबर आएगा. 3200 माइनस करते हैं 219 5 2 - 1 5 6 2 5 - 12 - 5 = 7 और यहाँ रह गया 4 2 3, 11 - 5 किया हमने 6, 6 3 2 7/1 5 6 2 5. के काफ़ी बड़ा नंबर आया है यहाँ हमारे पास में, 6 3 2 7, अब भी हमारे पास कैलकुलेशन और भी है कि अब आप देखिए, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का काम, और इससे इसमें डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल भी होगा. तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों नंबर का, तो ये नंबर आपके पास 30 ये आएगा, 3 0s तो ये हो गए आपके, और हम इसका जब इस मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 4 2 0 2 और 1 5 6 2 5 से इसमें डिवाइड करेंगे,
ओके, तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा आपका, यानी जो हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, 129.57.696 अप्रॉक्सीमेटली, हम इसको 7 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली के रुपीज़। ये हमारा सी आई कैलकुलेट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका रिक्वायर्ड डिफरेंस, रिक्वायर्ड डिफरेंस, क्योंकि उसने डिफरेंस ही कहा है आपको फाइंड करने के लिए कि ये लिखा डिफरेंस, तो हमें ये डिफरेंस बताना है दोनों का। अब आपके पास में एस आई कितना था, ओनली ये, और ये आपके पास सी आई ये है, तो 129.57.7 में से आपने माइनस किया 1152, क्या नंबर आ गया आपके पास, 7, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 1 8 और 2 माइनस 1 1, 118.05.7 रुपीस आपके पास क्या कैलकुलेशन आ गई इसकी, डिफरेंस की 1152, सॉरी यहाँ पर भी एक नंबर की मिस्टेक हो रही थी, कि क्या मिस्टेक थी, 32 × 36 करके हमने यहाँ नंबर तो लिखा, लेकिन 10 जो 32 के साथ में था वो नहीं नोट किया था, वो हमने यहाँ कर दिया, तो यहाँ पर हम माइनस भी इसी तरीके से करेंगे। 0.7 तो यही था, 7 − 0 = 7, 5 − 2 = 3, 9 − 5 = 4 और 3 − 2 = 1, ये आपका आंसर हो गया 1437.70 या 7 आपके पास हो गया डिफरेंस। आई होप कि ये वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और आपके पास 16 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कमेंट में ही करना है, ये भी आपके पास टाइम है। ओके, थैंक यू सो मच।